हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट पैंट की कटिंग। इस पैंट में हम जिप लगाएंगे एक साइड में और एक साइड में हम लगाएंगे पॉकेट। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। इसका नाप है 35 इंच इसकी लेंथ है और कमर है इसकी 30 इंच। तो सिर्फ हमें ये दो ही नाप चाहिए है, एक लंबाई चाहिए है और एक हमें कमर चाहिए है। और मोरी आपकी मर्जी है, आप कितनी रखना चाहते हो उतनी आप रख लेना। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंची टेप को 1 इंच बाहर की साइड निकाल के और इसकी लेंथ पे निशान लगा लेना है। 1 इंच हमने इंची टेप को बाहर निकाल दिया है और 35 है इसकी टोटल लेंथ, यानी कि हम जब सलवार स्टिच करते हैं तो सलवार की लंबाई हम पूरी की पूरी करते हैं जितनी हमारी आती है। लेकिन पैंट की कटिंग जब हम करेंगे ना तो इसे 1 इंच कम करेंगे। 35 हमारी टोटल लंबाई है तो हम 34 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि पैंट हमारी 1 इंच छोटी होती है सलवार से। यहाँ पे मैंने 1 इंच इंची टेप को बाहर निकाला है और 34 इंच पे ये निशान लगाया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निशान लगाना है। एक हमारी जितनी कमर है, कि कमर हमारी 30 इंच है, तो 30 का हमें चौथा हिस्सा निकालना है, यानी कि 4 से उसको भाग करना है 30 को, तो हमारे पास आएगा 7.5 इंच। 7.5 पे हमने एक निशान लगा लिया है और फिर हम उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है क्योंकि हमारी 1 इंच की यहाँ पे प्लेट डलेगी और एक आधा इंच यहाँ पे दबेगा सिलाई में और आधा इंच सिलाई में यहाँ पे दबेगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच पे ही हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं थोड़े से नीचे, और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जितना हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हमारा निशान आया 9.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा निशान लगता है 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे हमारा निशान किस साइज में लगता है, जैसे कमर है हमारी 31 इंच कमर है, 31 से ऊपर जिसकी कमर है, 31 से लेके 38 तक कमर है, उसका यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगेगा। अगर 30 इंच कमर है हमारी, उससे कम है, 30 इंच है या 30 से भी कम है, तो हमारा यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगेगा। तो मेरी कमर 30 इंच है तो 30 में हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पे कमर का मेजरमेंट है 30 से ऊपर यानी कि 38 तक है, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाओगे। अगर 38 से ऊपर है तो आप यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाओगे। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आया है, यहाँ तक हमारा आया है 12 इंच। एक बार हम जितना यहाँ पे 9.5 इंच है तो 9.5 इंच पे यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे जितना है हमारा वहाँ पे भी ये निशान है, यहीं तक आया है। अब हम देखेंगे इस निशान से लेके यहाँ तक किनारी तक आया हमारा 12 इंच। अब हम नीचे यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमने ये टोटल लेंथ का निशान लगाया है वहीं पे हमने यहाँ पे 12 इंच का एक निशान लगा लेना है ऐसे करके, और इसको सीधा कर देना है। अब 12 इंच का हमें आधा करना है, ऐसे फोल्ड कर लेना आप। ये 12 इंच आ गया है, 12 इंच तक हम इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे तो आया है हमारा यहाँ पे 6 इंच। तो 6 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इसके सेंटर में, और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। 12 इंच का आधा कितना हो गया, 6 इंच। अब हम यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे 5 इंच तक। हमें प्लेट 5 इंच या 4 इंच तक डालनी होती है, और 1 इंच की प्लेट डलेगी, आधा इंच इस साइड आधा इंच इस साइड, ये हमारी होगी प्लेट। इसको हमें निशान लगा के सेट कर देना है। अब हमें चाहिए है ये शेप फट्टी। तो शेप फट्टी का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए है
तो आप यहाँ पे इसको रखोगे। और सॉरी मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, नीचे जो मैंने ये 6 इंच पे निशान लगाया है 12 इंच का आधा करके, अब हम मोरी निकालेंगे। तो मोरी हमें कैसे निकालनी है, जैसे मैं इसकी मोरी रखूँगी 8 इंच की, तो 8 इंच का आधा कितना हो गया 4 इंच, जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है उसके ऊपर हमें 4 इंच रखना है। अगर आपकी 6 इंच की मोरी है तो आप 3 इंच पे रखना, अगर 7 की है तो 3.5 इंच पे, यानी कि जितनी मोरी है उसका आधा करके और उसको यहाँ पे रख लेना। और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे। तो 8 इंच की हमारी ये मोरी आ गई है निकल के। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, जैसे अगर किसी को फिटिंग का पहनना है तो यहाँ से लेके हम ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अगर फिटिंग का नहीं पहनना है, थोड़ा सा लूज पहनना है, तो आप यहाँ से लेके नीचे इसको रखोगे 0 इंच को और ऐसे निशान लगाओगे। और जो ये निशान लगाया है फिर ऐसे ही इसको फट्टी को उठाओगे, एक बार ऐसे रखी, फिर हम इसको ऐसे पलट देंगे और हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, या आप ऐसे भी लगा सकते हो इस साइड से भी। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे, वो शेप हम कैसे देंगे, हमारा कई बार आसन में खिंचाव आता है, तो वो खिंचाव क्यों आता है, क्योंकि आप ये शेप कई बार ऐसे खड़ी दे देते हो, कई बार ऐसे यहाँ पे ज़्यादा इस कॉर्नर की साइड कर देते हो, लेकिन हमें ये परफेक्ट शेप देनी है। यहाँ पे जितना आपने निशान लगाया है उतना ही यहाँ पे भी लगाओगे ऐसे, और इस शेप को हमें ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे दे देना है, तो ये शेप हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें नीचे मोरी को हम जितना फोल्ड करेंगे उतना एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच की फोल्ड करोगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 3 इंच फोल्ड करोगे तो 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जितने आप लेना चाहते हो उतने आप ले। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, इसको इस फैब्रिक को हमें ऐसे कैसे उठा लेना है, पन्नी मेरी साइड करनी है और जो बन साइड है वो आपकी साइड करनी है, ऐसे इसको बिछा लेना है। और ये कन्नी आप बिल्कुल बराबर कर लेना, थोड़ी सी भी आपकी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। अब हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट पे, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है और इसको हमें ऐसे रख लेना है। अब एक डाउट सबको होता है, वो क्या होता है, जो हम पैंट पहनते हैं पहनने के बाद हमारी मोरी है जो वो हमारी घूम जाती है, तो वो हमारी क्यों घूमती है। और एक दूसरा कारण होता है आपका इसमें, जैसे पहनते हैं तो पहनने के बाद हमारा जो ये साइड है ऐसे ऊपर की तरफ खींच जाता है, तो ये दो कारण आपके क्यों होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगी अभी। जब मोरी घूमती है तो आप क्या गलती करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको जहाँ से हमने ये निशान लगाया फोल्डिंग के लिए उसको ऐसे रख लेना, फोल्ड करके आप इसको ऐसे रख लेना। और अब हम यहाँ पे 12 इंच पे ही एक निशान लगा देंगे ऐसे, पहले लगाया था हमने 12 इंच पे, तो दोबारा से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और 12 का हाफ आया है हमारा 6 इंच, तो 6 इंच पे हमने एक निशान और लगा देना। अब जो आपका फ्रंट पार्ट का ये निशान है ना सेंटर वाला, ये आपका इस निशान से मिलना चाहिए,
तभी आपकी मोरी है वो घूमेगी नहीं। और मोरी घूम जाती है ना, उसका यही रीज़न होता है। जैसे आप इसको रखते हो तो ऐसे रख देते हो, कई बार ऐसे रख देते हो, ये निशान है आपके जो ये मिलते नहीं हैं, बस यही रीज़न होता है आपकी मोरी का घूमने का। और पेंट ऊपर की तरफ क्यों उठती है बीच में से, उसका कारण इस शेप का होता है। ये शेप आप अच्छे से नहीं दे पाते हो, इसीलिए आप यहाँ से जो मोरी है वो बीच में से उठ जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा फिर से बताने की कोशिश करूँगी। अब हमें निशान लगाने, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया तो 2 इंच का ही हम निशान आगे लगाएंगे ऐसे, और 2 इंच का ही हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको इस निशान पे मिला के इसको सीधा करेंगे। अब हमें नीचे बता देती हूँ पहले आपको, यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है ऐसे। सभी साइज का सेम फॉर्मूला है, सारे साइज आप इसी तरह से कटिंग करोगे, कोई भी साइज हो जाए, बस आपको ये चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। अब हम यहाँ से शेप पट्टी को रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। और इस शेप को भी हम पहले की तरह देंगे, 2 इंच यहाँ पे है तो 2 इंच हम यहाँ पे निशान लगा के ये शेप हम अच्छे से दे देंगे। ना ही तो ज़्यादा इसकी गहराई करनी है आपको, ना ही ज़्यादा ऐसे खड़ी शेप देनी है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये शेप होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से बैक पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। वो हमें क्यों करना होता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट पीछे से खिसक जाती है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे ना तो हमारी पैंट है जो खिसकेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और आगे से हमें थोड़ा सा डाउन करना होता है। वो डाउन हमें क्यों करना होता है, क्योंकि लेडीज़ जब पैंट पहनती है तो आगे से थोड़ा सा जो लास्टिक है वो झुक जाता है, इसीलिए हमें यहाँ से थोड़ी सी इसकी शेप फ्रंट की साइड यहाँ से कट कर देनी है। तो यहाँ से हमें जितनी हमारी कमर थी, कमर हमारी 30 इंच थी, तो 30 इंच का चौथा हिस्सा आया हमारे पास 7.5 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 7.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आया हमारा 9 इंच, तो 9 इंच पे हमें ऐसे निशान लगा देना है यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच। अब हमारी ये इतनी कटिंग होगी ऐसे, ये हमारी कटिंग यहाँ तक करनी है जहाँ तक हमारी प्लेट है। अब हमें इसको यहाँ से हम थोड़ा सा इसको उठा देते हैं, जैसे हमारी यहाँ पे आई है 1/2 इंच एक्स्ट्रा है तो 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ले लेंगे। या आप यहाँ से 2 इंच का 2.5 इंच का भी उठाव दे सकते हो, तो मैंने भी 2 इंच का भी उठाव दिया। अब हम इसको तिरछा ऐसे मिला, यहाँ से हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हमें सेम कटिंग करनी है और यहाँ से जो कॉर्नर निकला है उसको हमें थोड़ा सा कट कर देना है। अब हम यहाँ से कट लगा देंगे जो हम फोल्ड करेंगे उसके ऊपर। ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट हम
13 इंच की या 14 इंच की कट करते हैं, तो मैं इसकी 13 इंच की कट करूँगी। यहाँ से 13 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे, 7 इंच पे हम निशान नीचे लगाएंगे ऐसे, यहाँ से लगा लेंगे 7 इंच, यहाँ से चौड़ा कपड़ा है, और यहाँ से हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको हम ऐसे हम यहाँ से इसकी शेप ऐसे दे देंगे। ये हमारी होली पॉकेट। अब हम कट करेंगे इसके लिए जो हम बेल्ट में पट्टी लगाएंगे उसका कपड़ा कट करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा ये प्लाजो है उतना ही बैक पार्ट का, जितना हमारा प्लाजो है इसको हम ऐसे फोल्ड फोल्ड कर देंगे। पैंट का हमें बैक पार्ट उठा लेना है। बैक पार्ट जितना हमारा आया है यहाँ से उतने ही हम यहाँ पे बेल्ट कट करेंगे। यहाँ से हमें जिप लगानी है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कट करना है 3 या 4 इंच। और यहाँ से चौड़ाई हमें इसकी कितनी लेनी है, यहाँ से हम 2.5 इंच की चौड़ाई रख लेते हैं। ये हो गई हमारी, ऊपर हम बेल्ट में जो पट्टी लगाएंगे उसकी कटिंग।